हे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारा आपके चैनल पेट मिक्स में। ऐसा करता हूँ आप और आपके पेट्स हेल्दी होंगे। तो आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है आपके और आपके डॉग के बारे में। और दोस्तों, ये होता है कि अगर आप नए डॉग लाते हैं उनके लिए तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और जिनके डॉग एडल्ट है या फिर 6-7 महीने के या फिर 2 ईयर के, उनको भी एक बार ये वीडियो ज़रूर देखनी चाहिए। इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि कौन कौन सी ऐसी जो आप प्रॉब्लम करते हो, गलती करते हो पहले से, जब आप नया पपी लाते हो तब से लेके, कौन सी ऐसी हैबिट्स है जो डॉग को पहले से आप लगाते हो जिसके कारण उसकी गलती आपको आगे जाके भुगतना पड़ता है। फिर आगे जाके आप ऐसा सोचते हो कि अरे, मैंने पहले से ये सारी चीज़ें करी होती तो आज मेरा डॉग काफ़ी अच्छा होता और ये सारी गलतियाँ नहीं करता। इसलिए मैं आपको अभी से अलर्ट करता हूँ जिसके कारण आप आगे जाके ये गलती ना करें। तो शुरू से लेकर लास्ट तक वीडियो ज़रूर देखना, पॉइंट टू पॉइंट मैं आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक शेयर तो ज़रूर कीजिएगा, जिसके कारण मुझे पता चलेगा कि मेरी बनाई वीडियो आपको अच्छी लग रही है। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन ज़रूर से ऑन कीजिएगा। तो आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोगों के पास डॉग्स है और आपको भी डॉग्स लेने की काफ़ी इच्छा होती है। तो ऐसे में अगर आप एक अच्छे डॉग लवर हो तो आप कभी कभार अपने जॉब जाते हो तो उससे पैसा इकट्ठा करते हो, या फिर कहीं आपके आस पड़ोस में हो या फ्रेंड सर्कल में, फैमिली में जिनके पास फीमेल डॉग है उनसे एक बच्चा लेते हो, या फिर आप सेविंग करके एक अच्छा सा डॉग लेके आते हो। तो ऐसे में आप एक फ्रेश नए डॉग ओनर होते हैं, फर्स्ट टाइम डॉग ओनर होते हैं, तो ऐसे में कुछ गलतियाँ होती है, कुछ ऐसे हैबिट्स होती है जो पहले से आप पपीज़ को लगा देते हो। जैसे कि जो फर्स्ट हैबिट है वो है कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा मीठा खिलाना। क्या होता है कि आपको नए नए डॉग आप डॉग ओनर होते हैं तो ऐसे में आपको पता नहीं होता है कि उसको क्या खाने को दो क्या नहीं। तो ऐसे में स्टार्टिंग में आप क्या करते हो, बिस्किट्स वगैरह देते हो, चॉकलेट्स वगैरह देते हो। घर में छोटे बच्चे होते हैं, कभी कभार डॉग को चॉकलेट खिला देते हैं, कभी कभार ज़्यादा उसको मीठा जलेबी हुआ या फिर कुछ मिठाई वगैरह लाए होते हैं ऐसे उसको खिला देते हो। तो ऐसे में क्या होता है कि डॉग को हैबिट बन जाती है और आगे जाके भी वो ऐसे उसको खाने की इच्छा होती है। अगर नहीं दे तो आप वो थोड़ा सा जिद करता है तो आप उसे आपके पास आके बैठ जाता है अगर आप खाना खाते हो, तो ऐसे में आपको दया आती है और आप उसे दे देते हो। बट वो उसकी हेल्थ के लिए काफ़ी दोस्तों हानिकारक है। जैसे कि अगर वो ज़्यादा मीठा खाता है तो उसके हेयर फॉल हो सकता है, उसको डायबिटीज़ की प्रॉब्लम हो सकती है, ऐसे बहुत सारे उसको मीठे पाना से भी और भी, जैसे कि दिल की बीमारी हुई या फिर हार्ट बीट या फिर कभी कभार हार्ट अटैक आना या फिर फैट जल्दी गेन करना, ऐसी बहुत सारी उसको बीमारी हो सकती है। तो ऐसे में ध्यान रखिएगा कि उसको तीखा भी बिल्कुल ना दे और मीठा भी ज़्यादा खाने को ना दे। तो पहले से हैबिट आप बिल्कुल में उसको लगाइएगा मत, जिसके कारण आगे जाके आपको ये सारी प्रॉब्लम नहीं आएगी। जो नेक्स्ट प्रॉब्लम होती है वो है कि पोटी की। आप क्या पता है, नया नया पपी होता है तो थोड़ी दिन जब तक उसका वैक्सीनेशन डिवॉर्मिंग कंप्लीट नहीं होता तब तक आप उसको घर में पोटी करने के लिए रखते हो यानी करने देते हो। तो ऐसे में क्या होता है कि जैसे जैसे बड़ा होता है तब भी आप उसे हैबिट नहीं लगाते, जैसे कि 2 मंथ का हो गया, 3 मंथ का हो गया, तो आपको उसको फिर थोड़ी जगह बाहर घुमाने ले जाना, जैसे खाना खाने के बाद हुआ या फिर आपके घर के आस पड़ोस में। तो ऐसे में क्या होता है कि वो पोटी वहाँ पे करना सीख जाएगा। अगर आप ऐसी गलती करते हो कि उसको बाहर ही नहीं ले जाते, चल भाई आगे जाकर सिखा देंगे, आगे जाकर सिखा दे, ऐसे 5-6 महीने हो जाते हैं, फिर आप कमेंट करते हो कि सर मेरा जो पपी है डॉग है घर पे पोटी करता है, टॉयलेट करता है, तो ये सारी गलती फ्रेंड्स आपकी होगी। क्योंकि अगर आप पहले से उन्हें सिखाते नहीं हो, आप उसे ट्रेनिंग नहीं देते तो वो आगे जाके कैसा करेगा। फिर कभी कभार कोई डॉग उन्हें उसे मारते हैं तो बिल्कुल मारना नहीं चाहिए, क्योंकि गलती उसकी नहीं, गलती आपकी है। आप पहले से उसको बाहर ले जाके मतलब सिखाइएगा, उसको करने दीजिएगा। अगर नहीं करता, कभी कभी डॉग पोटी आधा घंटा तक नहीं करता, 1 घंटा तक नहीं करता, तो 1-2 बार आप उसे वेट कीजिएगा, फिर उसको पता चलेगा कि कहाँ कब करना है, खाने के बाद तुरंत ही वो खुद ही बेल्ट लेके आएगा आपके पास कि चल वॉक पे चल, अभी बाहर चल। ऐसे आप हैबिट लगाएंगे तो बहुत सारे आपको फ़ायदा होगा। जो तीसरी मिस्टेक करते हैं कि डॉग की काफ़ी ज़िद्दी होती है, कोई कोई डॉग को कुछ ना कुछ चाहिए होता है। अगर वो चाहिए तो वो चाहिए, मतलब अगर आप उसे नहीं देते तो बहुत कुछ वो यहाँ वहाँ आपको हैरान करेगा, तोड़ेगा, भोंकेगा, बार करेगा जब तक आप उसे चीज़ नहीं देते। तो ऐसे भी दोस्तों हैबिट बिल्कुल ना लगाइएगा, और ख़ास करके खाने के ऊपर। क्या होता है लोग क्या करते, खाते खाते क्या करते, उसको कुछ कुछ भी डाल दिया या फिर कभी आप खाना खाने बैठे तब उसको कुछ दे दिया, तो ऐसे में फिर डॉग को हैबिट लगती है। फिर ऐसे में क्या होता है, कोई मेहमान आता है घर में या फिर कुछ आते हैं तो उनके सामने भी डॉग जाके वैसे ही बैठ जाएगा। जब तक वो खाने को उसे ना दे या फिर कुछ उसको खिलाए ना, तब तक उधर ही बैठा रहेगा। तो ये काफ़ी बैड इंप्रेशन पड़ता है और काफ़ी अच्छा भी नहीं लगता मेहमान के सामने। घर की बात हो तो अलग बात है, पर कोई आया तभी ऐसा करता है तो बहुत ही मुश्किल हो सकती है। इसलिए ऐसी हैबिट बिल्कुल ना लगाए। जो नेक्स्ट गलती करते हो आपकी, अब क्या होता है कि नए नए डॉग ओनर को होते आपको पता नहीं होता क्या खाने को देते, ऐसे में आप कुछ भी उसको एक हैबिट लगा देते हो। जैसे कि कभी कभार हुआ ग्रेवी देना हुआ, कभी कभार डॉग फूड देना हुआ, कभी कभार कुछ चिकन वगैरह रेगुलर देना, एग वगैरह रेगुलर देना, तो ऐसा बिल्कुल मत कीजिएगा। ऐसे में डॉग को हैबिट लग सकती है, और कोई कोई डॉग तो उसके चीज़ के बिना फिर खाएंगे नहीं। कभी कभार कोई डॉग एग के बिना नहीं खाते, कोई कोई जो है जो
पेडिग्री आती है उसके बिना तो बिल्कुल नहीं खाएंगे, कोई कोई ग्रेवी आती है उसके बिना नहीं खाएंगे। तो ये सारे दोस्तों एक बहाना है, आप उसे दे सकते हैं। बट अगर आपका कभी कभार बजट नहीं हुआ, कभी कभार पैसे नहीं हो, तो उस टाइम आप क्या कर सकते हैं? ऐसे में आप घर का खाना भी दे, डॉग फूड भी दे, ग्रेवी भी दे जब चाहिए तब। अगर आप बीमार है, उसका मुँह का स्वाद बिगड़ गया, तो कभी कभार आप उसे वो भी दे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर आप रेगुलर से देते तो जब आपके पास पैसे नहीं होंगे, जब आपके पास बजट नहीं होगा, तब आप क्या करेंगे? तो फ्रेंड जो नेक्स्ट प्रॉब्लम आती है वो है कि क्या करते हैं कि नया नया डॉग होता है आपके घर में, तो आप कभी कभार उसको बांध के भी नहीं रखते। तो ध्यान रखिएगा, कभी कभार आप उस घर के अंदर आधा घंटा हुआ, 10 मिनट हुआ, ऐसा बांध के उसको हैबिट लगाइएगा। नहीं तो क्या होता है, आगे जाके अगर वो आप उसे बांध के रखते हो, कुछ प्रॉब्लम आई या घर में कुछ काम काज चल रहा हो, तो ऐसे में वो फिर बांध के भी नहीं रहेगा, बहुत बार करेगा, हैरान करेगा, तो ये सारी प्रॉब्लम भी आ सकती है। इसलिए कभी कभार भी उसको बांध के रखिएगा, यानी उसको पता चलेगा कि अभी बैठना है चुपचाप, अभी कुछ करना नहीं, तो ऐसे में वो चुपचाप भी बैठ जाएगा। तो कुछ ऐसी हैबिट्स होती है, कुछ ऐसी प्रॉब्लम होती है, अगर आप बचपन से उसे लगाते हो तो आगे जाके डॉग आपका वैसा ही करता है। इसलिए अगर आप घर में अकेले रहते हो या फिर आपको कहीं बाहर जाना होता है, कभी कभार घर में कोई होता नहीं, तो ऐसे में आप पहले से उसको हैबिट लगा के रखिएगा कि 1-2 घंटा, 1 घंटा, उससे ज़्यादा मत रखिएगा, क्योंकि कोई कोई डॉग ही अकेले रह सकते, कोई कोई डॉग फिर आगे जाके रोते बार करते, तो वो अकेले नहीं रह पाएंगे। इसलिए उसको पहले से हैबिट रखिएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो अगर आपको कुछ प्रॉब्लम दिक्कत आ रही है तो मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं, इंस्टा की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है। तो आशा करता हूँ आप सबको वीडियो अच्छी लगी, तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, थैंक यू फॉर वॉचिंग।